नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज एक फिर से सवाल है और उस सवाल के बारे में हम बात करेंगे। सवाल पहले सुन लेते हैं कि क्या है। यदि किसी की पत्नी या पति अपने लाइफ पार्टनर से 20-25 साल पहले स्वर्गवासी हो जाती है, तो किस तरह वे दूसरे जन्मों में पुनः पति पत्नी बनकर इस धरती पर जन्म ले सकते हैं? तो ये जो सवाल है, बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर पति या पत्नी में से दोनों में से कोई एक कई साल पहले चला जाए, 20 साल पहले चला जाए, 30 साल पहले चला जाए, 40 साल पहले चला जाए, और फिर दूसरे पार्टनर की मौत जब 40 साल बाद हो, तो क्या ये संभव है कि वो फिर से जीवन में पति पत्नी बन करके वापस लौटें? और चूंकि हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि 7 जन्मों का साथ होता है दोनों का, पति पत्नी का, और 7 जन्मों तक वो साथ आते हैं, और ये देखा गया है कि आदमी पीछे जन्मों में जाता है जब हम लेके जाते हैं, और वो कई बार जब पीछे जाता है तो देखता है कि वही पत्नी और वही पति दोनों साथ में ही चल रहे हैं कई जन्मों तक। तो 7 जन्मों का तो शास्त्रों में बताया गया है कि 7 जन्मों तक ये लोग साथ में हो सकते हैं। तो अब ये सवाल है कि अगर वो 30 साल पहले चला गया हो कि 40 साल पहले चला गया हो, फिर उसके बाद ये क्या फिर से आ सकेंगे एक साथ? तो इसका जवाब है कि हाँ, वो कितने भी साल पहले चले गए हो, फिर से आ सकते हैं। और इसमें देखा गया है कि जब एक पार्टनर चला जाए तो दूसरा पार्टनर जब भी आएगा, तब तक के लिए वो पार्टनर शायद रुका रहता है, और उसके बाद फिर दोनों किसी तालमेल के साथ आते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि 50 साल का आदमी है और 20 साल की लड़की है, या 60 साल का आदमी है और 20 साल की लड़की है, और उनकी शादी हुई, इस तरह की भी होती है चीज़ें। तो ये उस तरह का पार्टनर है जो पहले चला गया था और फिर वो आ भी गया लौट के, लेकिन ये इसका जाना नहीं हो पाया, पत्नी का जाना नहीं हुआ या पति का जाना नहीं हुआ, तो अब उसने तो जन्म ले लिया, अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, ये इसने जन्म नहीं लिया है दोबारा। तो जब ये जाए और फिर आए वापस, तब तक दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है, माने 20-30 साल का फासला हो जाता है। तो फिर वैसी स्थिति में हम जिसको बेमेल शादी कहते हैं, फिर लोग कहते हैं कि उसने तो उस उम्र में शादी की, लेकिन इस तरह की चीज़ें भी इसी से हो सकती हैं कि आपका इधर से जाना कब हुआ और उधर से आना कब हुआ, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पे हम ये कहें कि ये देखा गया है, जो हमने अपने अनुभव से जो हमने देखा है वो यही है कि आम तौर पर वेट किया जाता है दूसरे के आने का, और उसके ठीक जब आने का हो तो उसके आसपास ही थोड़े दिन पहले, या उसके साथ एक साथ, या कुछ आगे पीछे 2-4 दिन, 10 दिन, महीने भर ऊपर नीचे होके वो आ जाते हैं। तो ये सोचना कि अगर 20 साल पहले या 30 साल पहले या 40 साल पहले एक पार्टनर चला गया है तो फिर क्या वो अगले जन्म में वो लोग साथ में आ सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। और यही होता है कि अगर वो 7 जन्मों तक जो साथ की बात कही गई है, ख़ासकर मियाँ बीबी के, तो वो दिखाई देते हैं। अच्छा, एक और सवाल एक पूछा गया था कि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मान लीजिए कि भारत का रहने वाला आदमी है, अगला जन्म वो अमेरिका में ले ले, फिर क्या होगा? क्या उसके रिश्तेदार उसके साथ वहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो तो अमेरिका में चला गया है, अब उसके रिश्तेदार कैसे आएंगे? तो ये कह सकते हैं कि कुछ रिश्तेदार जो उसके जीवन में पहले रहे हों और उसके जाने के पहले चले गए हों, वो उनके दिखने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके रिश्तेदार हर जगह आपको मिल जाएं। मोटे तौर पे मिलते हैं, अक्सर ये देखा गया है कि रिश्तेदार मिलते हैं, और यही वजह है कि आप दूसरे देशों में कम से कम ही जाते हैं। और हम लोगों ने जो रिग्रेशन किया जितने लोगों का, तो ये देखा कि विदेशी तो वो बहुत कम बनते हैं, ख़ास करके हमारे देश में तो हिंदुस्तानी आदमी है वो विदेशी बनना पसंद नहीं करेगा, ज़्यादातर वो कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान में ही आए और इसी तरह के माहौल में रहे, इसी कल्चर में वो रहे, उसे यही देश अच्छा लगता है। तो इसीलिए अच्छा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि
बहुत सारे लोगों ने कहा है कि वापस वो अपनी माटी में आना चाहते हैं। शास्त्रों में भी बहुत जगह इसे मातृभूमि कहा गया, और कहा गया कि भारत भूमि में बार बार जन्म लेने के लिए लोग तरसते हैं, तो उसका कारण शायद यही हो सकता है। मुझे लगता है कि वो विदेश नहीं जाते, पर कुछ लोग कभी कभी विदेश जाते हैं, देखा है कि दूसरे देशों में जन्म ले लेते हैं, तो वैसी स्थिति में बहुत ज़्यादा रिश्तेदार उनके आने के चांसेस नहीं होते। होंगे कुछ पहले से चले गए हों, एक दो रिश्तेदार वो ज़रूर वहाँ पर आ सकते हैं विदेश में, लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदार आएँ इसकी कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर उसकी वाइफ पत्नी या पति वहाँ पर अगर वो चला गया है तो उससे भी वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये दिखता है कि अगर उसकी वाइफ है, पति पत्नी में से कोई एक अगर विदेश में जन्म ले लेता है तो दूसरा जन्म दूसरे पार्टनर को वहीं लेना पड़ता है, और आम तौर पे वो लेते हैं, क्योंकि जैसा कि अपने हमने कहा कि वो जो 7 जन्मों का जो मामला रहता है वो सच में दिखता है कि उस तरह के लोग साथ में होते हैं, कई जन्मों तक दिखते हैं पार्टनर्स, तो ये दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो अनुभव किया उसमें दिखता है कि आप भले ही किसी और देश में हों लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि दो दो वाइफ हों या 3 वाइफ हों, तो फिर वैसी स्थिति में एक इनमें से कोई एक वहाँ पर उसके साथ हो सकती है अगले जीवन में, और वो फिर हो सकता है एक ही के साथ उसको बाकी का जीवन गुजारना पड़े। तो ये कहें कि एक पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों में, दो में से एक तो कम से कम वहाँ मिल सकता है और वो फिर से वो साथ चल सकते, तो ये इसका क्या होगा जो इस जीवन में, जैसे मान लीजिए एक एक जीवन में दो दो वाइफ हैं या इनके साथ, या दो लोगों के साथ उसकी शादी हुई, एक टूट गया दूसरा फिर से किया, या दोनों साथ में भी रहे, तो उसका क्या होगा, किस तरह से होगा? तो ये हो सकता है कि वो एक ही अगले देश में जाए और दूसरा जो है रह जाए, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे के साथ 7 जन्मों का कोटा उसका पूरा हो रहा हो, तो वो दूसरा हट जाता है और एक ही फिर आगे एक ही नज़र आएगा। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं वो ये मोटे तौर पे ऐसा लगता है। तो आपका ये सवाल कि विदेशों में अगर पैदा हो गए तो क्या रिश्तेदार आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे, ये भी ये कहा जा सकता है। दूसरा, अगर 30-40 साल पहले चले गए हैं, कोई एक पार्टनर चला गया है, तो वो क्या साथ आएंगे, तो बिल्कुल वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये आप मान के चलें कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो चलेगा, लेकिन बाकी रिश्तेदार आएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो आज के ये दोनों सवाल को ही लेते हैं, यहीं तक लेते हैं, और इसके बाद अगले फिर किसी सवाल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और ये अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही लेते हैं, आगे फिर किसी सवाल पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।